हाय गाइस, वेलकम बैक और स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में एचएम जाएंगे सीपी, तो आउटिंग भी हो जाएगी और एक बहुत बकचोद बंदा बुलाया उसको साथ लेके जाऊंगा। साथ ही साथ तुम्हारे भाई ने अपना ब्रेकफास्ट चेंज कर दिया, पहले ओट्स खाता था स्टार्टिंग से, अब कुछ और है ब्रेकफास्ट, तो जो ब्रेकफास्ट है वो भी दिखाता हूँ। तो फुल मजेदार वीडियो होने वाली है, बने रहो। जब बात आती है ब्रेकफास्ट की तो कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट होना चाहिए जो आपका जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए, जिसमें आपको प्रोटीन, कार्ब्स और फैट तीनों मिल जाए, क्योंकि बॉडी क्या होती है एक फास्ट के बाद उठती है 8-9 घंटे जब भी आप सोते हो, और उसके बाद सुबह जल्दी जल्दी कुछ चाहिए होता खाने को, तो ये उन दोनों चीज़ों में कामयाब है, जल्दी बनने में और न्यूट्रिशन होने में। साले ना धो लिया कर, कितना गंदा लग रहा है। तो भाई ये है मेरा नया ब्रेकफास्ट, कुछ भी नहीं करना, 4 अंडे तोड़ने हैं, पूरे अंडे, कोई येल्लो येल्लो नहीं निकालना। उसके बाद 2 ब्रेड जिसको 4 में कर दो, आधा आधा करके उसको अंडों में डुबो के इसमें डाल दो, बस बन गया। इसमें चलना है, इसमें इसमें इसमें, ठीक है। तो भाई यही है वो बकचोद जिसको मैं कह रहा था आज मेरे साथ मिलेगा, तो मैं ब्लॉग में नया ब्लॉग बकचोद फीचर करवाऊंगा। ठीक है, शक्ल देख रहे हो वैरायटी कितनी पूछ रहा है, जैसे कि खाने की डिश हो। अंकल ने इतना अमीर हो गया है, आज गाड़ी में पूछ रहा है, पहले होता था आइयो यार स्कूटी लेकर आइयो, स्कूटी लेकर आइयो। आज देखो टाइम चेंज नहीं होता, यूट्यूब पर बंदे आते कैसे अमीर बन जाते हैं। सबसे पहला ब्लॉग हमारा साथ में आया था जब मैंने अपने कुत्ते को भी ले गया था व्यूज़ के लिए, मैंने भाई कुछ नहीं छोड़ना, दूसरों को भी उठा के सीपी ले गए थे। हमारे वक्त पहला स्ट्रगल था, कुछ करना पड़ेगा आज भी भाई सीपी में, ये हरकत वरकत। तो भाई ब्रो कंटेंट देखी आज तू, हमारी कसम भाई दिल खुश हो गया, मतलब जब इसके आए ना 5000 सब्सक्राइबर, 6000, और फिर जब इसकी वो वाली वीडियो में लाख व्यूज और टॉप गए, भाई दिल से खुश हुआ। मतलब पहला ऐसा था कि हमने इतनी तरक्की करी, यार वरुण कैसा लगेगा, यार चलेगी ना चले, वरुण तो नहीं बोलता, खैर मुझे लैला बोलता है वैनगनन, तो लैला कहता था लैला यार चलेगी वीडियो नहीं चलेगी। पहली यूट्यूब वीडियो हमने साथ में बनाई थी सीपी गए थे, कहता लैला बता यार कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, बता तू कैसा होएगा। मैं कहा कोई बात नहीं ब्रो, नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, डालेंगे तो आ जाएगा। फिर भी भाई देख लो अगला आज कहाँ पर है, कहीं नहीं हूँ यार, अभी तो 15,000 ही है। नहीं नहीं भाई, बट भाई जो बात भी हो बंदा डाउन टू अर्थ है, ये बात तो है, बाकी वो अलग बात है। उसने बोला बोल दी ये भी ले लेंगे लैला, टेंशन ना ले, ये भी आएगी एक दिन आएगी। तो भाई अब हम जा रहे हैं सीपी, वहाँ पे एचएम में फुल तो भाई मचानी है, सीपी में कंटेंट खाना है फुल, दबा आगे ब्रो दबा आगे। नहीं हरकत, तुम्हारा भाई देखो कैसा स्मार्ट लग रहा है, टी शर्ट पहन के ऊपर शर्ट पहन की टांग। दो बच्चों साथ हुए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको ये वीडियो मस्त आए ना, ठीक है। ये वाली वीडियो भाई बेस्ट होने वाली है, मेरे को फील आ रही है बहन जो फुल बकचोदी वाली। पहले तो भाई मेरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से अपील है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बहन के लड़का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे दे दिया अभी तक भी नहीं आ रही, बस को देख के कभी वो कर रहा है कभी वो कर रहा है। भाई साहब मैं इधर बैठा था बस, यहाँ से गई है, मैंने कहा ले खत्म आज। भाई आज जोड़ के विनती है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों, पहले चेक करके लिया करो कि ट्रैवल लाइसेंस किसको देना है किसको नहीं देना। ये देख यार, अभी ना मैं उससे पूछ रहा हूँ, अभी ना मैं H&M का रास्ता भूल गए हैं, भाई से पूछ ले, भाई से पूछो तो। हेलो भाई साहब, अपने क्या कहते हैं जहाँ छपरी लोग नाचते हैं वो, उसका रास्ता कहाँ पे है, जो बड़े सारे बंदे नाचते हैं, छपरी लोग नाचते हैं, देख रहे हो H&M के नाम से नहीं जानते, छपरी वाले जानते, कह रहे हैं आगे है। वाह वाह वाह, ओके भाई साहब थैंक यू, धन्यवाद, आते वक्त इनको 10 रुपये दे दिए, भाई दे दिए 10 रुपये इनको, खुश हो जाएंगे अगले। चल बंद करो, नहीं नहीं रुक जा, हवाबाजी चलनी चाहिए। और अंकल क्या हाल चाल, बढ़िया हवाबाजी फुल होनी चाहिए ब्रो, भैया से भी पूछ रहा है कुछ खाने में भी, खाने में खाना है तुमको गाइस, अंकल आए कर दो। क्या नाम अंकल आपका, अंकल एक बात दीजिए, ये जो टिप देते हैं हम स्विगी वालों को, वो आपके पास आती है, खा जाती है वो, आती है तो भैया कर दिया करो, दे दिया करो टिप, दे दिया करो गाइस, ठीक है। बाकी सब देख रहे हैं मुझे, ऐसे ऐसा लग रहा है शाहरुख खान वाली फील आ रही है, कोई आया भाई मार्केट के अंदर, गुलाबाबाजी चल रही है, कोई बात नहीं, मिल गया गाइस, हो रहा है 250 की टी शर्ट दिखाई सारी, अंदर बोलियो बंदे से, हवाबाजी करवा, थोड़ा रुको अंकल, ऑटो रोको अंकल, जरा पीछे बंदा आ रहा है, हवाबाजी फुल होनी चाहिए, चोट में चलेंगे पीछे, कहीं देखो ट्रैफिक लग गया है और हवाबाजी बहुत है, बस बस अब चल
देख के अंकल साले मेरे को एडिट करनी है वीडियो लंबी हो जाएगी भाई अभी इसके टकले पे लग जाती बैन की लंबी अब इसका टकला बंद हो जाता तो गाइस क्या कहते हैं अभी ना ये अपने वालों ने मना कर दिया यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए बाहर मिलते हैं मेरे को भी ले साले मेरा भी चैनल है ले ले यार बाहर मिलते हैं यार मना कर देंगे चलो भाई एक्सचेंज करा के बाहर ओके हो गया भाई मेरा तो काम अब लैला अपने लिए कुछ ले रहा ठीक है भाई हो गए यहाँ का मामला तो फिट क्या लिया तेरे भाई छोटे आदमी छोटा थैला देखो बैंक में बड़ा आदमी इसको भाई एक टी शर्ट मिल गई बढ़िया 400 रुपए की 1500 की थी ना 1500 वाली टी शर्ट 400 रुपए में मिल गई इसको बढ़िया काम आई वाज लाइक कि यार मैं इसमें क्या बोलूं मुझे इतना फील आ रहा है कि मैं शनिवार शनि बाजार शुक्र बाजार से शॉपिंग करने वाला बंदा है चलना मैं सिंगापुर से कम थोड़ी ना है इसकी आगे बढ़ गई टी शर्टों के प्राइस देख देख के सिंगापुर से कम थोड़ी ना है चले भाई अब मुझे मजाक सबसे पहले कुछ खाना है अब फिर करेंगे कुछ हरकतें यहाँ पे यार चलते हैं किसी के पास देखते हैं बैठ के क्या हुआ क्या नहीं हुआ भैया थोड़ा उधर होना यार भैया थोड़ा उधर होना यार भैया आपकी वीडियो बना लो कोई आपको वो तो नहीं है ना कोई इशू तो नहीं है ना वो अपनी कहानी सुनाना लोगों को भैया को छोड़ यार भैया इग्नोर मार दिया भैया ने भैया मेरी कहानी तो सुन लो यार यो, सुना दीजिए ना बता दे कहानी अपनी भैया यार मेरी बंदी मुझे छोड़ के भाग गई है किसी और को सुनाइए हम भैया यार भाग गई है यार क्या करूँ भैया बताओ यार भैया इग्नोर मार रहे हैं गाइस यार भैया आप मेरी कहानी सुन नहीं रहे हो आप लगता है मुझको आपको इंटरेस्ट नहीं है इनकी छोड़ दिया क्या भैया आप इंटरेस्ट तो आप ये बताओ यार भैया को सुना दे यार कि यार भैया यार मैंने बंदी के लिए क्या क्या नहीं किया था भैया आप समझोगे उसके कुत्ते के लिए कुत्ता घुमाना उसके कुत्ते का पट्टा तक लाना सब कुछ मैंने करा भैया सब कुछ करा और जब ये 14 फरवरी आई समझ गए ना 14 फरवरी वैलेंटाइन डे छोड़ के बाकी दूसरा पकड़ लीजिए और भैया यार क्या बताऊँ आपको यार दूसरा पकड़ लीजिए भैया भैया इतनी आसानी से कहाँ मिलती है आप मिलती है मिल जाएगी आपको कभी मिली है आपको कभी मिली है भैया तो बहुत सारे चेंज किए हैं क्या बोला तूने भैया तो बहुत सारे चेंज किए हैं उस्ताद उस्ताद देखो उस्ताद कितना खुश है मेरा भाई तुम बताओ भाई ये भाई ऐसा है भाई तुमने वो भी बंदी पढ़ाई है तुमने कभी नहीं यार पट्टी नहीं नहीं यार पट्टी नहीं हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं होंगे कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होंगी मतलब यह होंगे कि इन्होंने तकलीफा डील करना इंस्टाग्राम पे थोड़ी मेरे को भी तो ले एंगल में थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बताओ पट्टी नहीं गया कोई नहीं देख रहे क्या पीटी कर रहे हैं देखो भाई साहब देखो मैं बता ये चीज ऐसी है देख रहे हो तो देख लो ये कहते फिर रही है ये चीज ऐसी भाई साहब ये चीज ऐसी है जितना मिले उतना कम लगता है शादी हो गई फिर भी दूसरा चाहिए भाई आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूँ मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है राजेश कश्यप और लगभग 80,000 उस पर मेरे फॉलोवर है सब्सक्राइबर है ठीक है भाई मैं छोड़ रहा हूँ यूट्यूब मैं छोड़ रहा हूँ इधर घिसवा घिसवा के अनटाइड हो गई आप देख रहे हो मेरे भाई के चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है भाई दिल्ली में आवाज खत्म ही नहीं होंगे ये राजेश कश्यप खोला है इसके व्यूज साले के 38 views 59 views और बातें क्या मार के गया अभी 80,000 सब्सक्राइबर पता नहीं शादी भी हो रखी है इसकी नहीं हो रखी मुझे लगा शादी भी यहाँ ही हो रखी है तुम क्या कहते हो भाई अगर तुम इंस्टा पे फॉलो करते हो तुम्हें पता है मैंने कसम खाई थी कि बाहर का बिल्कुल बंद कर दूंगा बट आज भूख इतनी लग रही है और यहाँ पे मैंने हिंदी ऑप्शन नहीं लिया मैंने इन्हें कहा भाई ग्रिल्ड चिकन देना तो अब खाना पड़ रहा है मजबूरी में बट आज मेहनत ज़्यादा कर लूँगा जिम में निकाल दूंगा जो खा रहा हूँ रिग्रेट हो रहा है खाते हुए पहली बार बाहर से खाओ पी रैश करो देख रहे डोला तो भाई भूख बड़ी तेज लग रही थी हमने इनसे पहले चटनी प्याज ले लिया दिखाई ये चटनी प्याज बर्गर के साथ फ्राइज क्या होती है चटनी प्याज अब दाल चावल भी आ गया भाई मिलते हैं टेस्ट रिव्यू दूँ ये पकड़ गाइस कमेंट में लिखो ये जानवर है कि नहीं है खाने के मामले में बहुत सॉफ्ट चिकन है बढ़िया मज़ेदार बंद कर दिया खाने तो भाई और वैसे ही हाथ भारी हो रहा है तो भाई वट्टा बर्गर से पहला और खाना तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा तो भाई अब वैलेंटाइन डे आ रहा तो मैंने तो डेर मिल गया इसने डेर दे दिया भाई उस बंदे से पूछ जाके वैलेंटाइन डे क्यों बनाते हैं कैमरे के आगे पूछियो ठीक है भाई थोड़ा यहाँ से पकड़ा कर और दूर रखा कर ताकि ज़्यादा एंगल आए तो चल के पूछते हैं कि अपना क्या होता है भाई ठीक है एक भाई मिला उसे चल के पूछते हैं भैया थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दो कि प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड
स्टॉप कर दोगे आप? मुझे एक क्वेश्चन करना था आपसे, वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं? आपको पता है वैलेंटाइन डे क्या है क्या नहीं है? नहीं देखो गाइस, ये स्माइल बता देती है वैलेंटाइन डे क्या, देख रहे हो? मैं वही, मैं भाई को देख के आया, मैं कहा भाई इनके पास चलते हैं, ये कुछ थोड़ा अच्छे से लग रहे हैं, अच्छी वाइब आ रही है भाई से। बताओ भैया वैलेंटाइन डे क्यों मनाती हैं? तो सिंगल हो के लिए नवरात्र है और कुछ नहीं है। तो भाई तुम भी सिंगल हो क्या? बेकार है सर, ये वेस्ट ऑफ मनी और टाइम है। भैया झूठ मत बोलो कैमरे के आगे। अभी भाई सिंगल हो आप? नहीं। फिर आप बेकार क्यों कह रहे हो? हाँ यार सर, पैसा हमारा खर्च होता है ना। अरे भाई प्लीज कट दे भाई, कट नहीं होगा ये। कैसे क्यों बोला भाई खर्च होता है? मतलब ऐसी लड़कियां भी मिलती हैं, मैंने देखा हुआ है कि वो भी खर्च करती हैं, वो भी अपना शेयर डालती हैं। ये सब फेरी टेल होता है, फैंटेसी लाइफ है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर तू ये ना भाई है यार, बताता हूं, एक दो डेट होगी ना उसमें हो जाता है, क्योंकि लड़की को पता है एक दो डेट का है। पर ये जब लॉन्ग टर्म चल जाता है ना, जहां तक मैंने एक्सपीरियंस करा है, जितने छोटे छोटे 100-200 के खर्चे वो लड़की के, जितने मोटे मोटे 1000-3000 के खर्चे वो लड़के के। सब लड़के कर रहे हो, कुछ भी करनी है मुझे, यहाँ जाना चलना, जाना नहीं आपको पे करना है। यहाँ पे एक और लड़की बैठी तरफ से पूछ के आए। नहीं नहीं लड़कियों से नहीं, अबे मैं अपने चैनल पे साफ लड़कियों से दूर कराता हूँ सबको, हम लड़कियों ओके तो बात करेंगे। मैं भूल गया था, बंद कर। और भैया क्या हाल चाल? रुक तो जाओ भैया, आ रहा हूँ मैं। अरे रुक तो जाओ भैया, गाइस देखो भागना पड़ता है। भैया ने स्माइल पास करी है तो मैंने कहा चले जाते हैं, भैया से मिल ही लेते हैं। भैया नाम बताओ यार आप अपना। हाँ जी मनीष। मनीष, मनीष सर आप ये बताइए कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं? भाई मुझे नहीं पता भाई, ना मेरी मैं सिंगल। क्या कह रहे हैं हमारे लिए? तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितना भी आप सब बोल रहे तो वैलेंटाइन डे कह रहे हैं सिंगल वाला बेस्ट रहता है, बिकॉज ऐसा कह रहा है कि लड़की हो जाएगी नहीं तो जिंदगी। अच्छा परेशान हो जाएगी भाई, भागे वीडियो बना दे भाई, भागे पूछ सबसे क्यों बना। भाई भागे ही जा रहे हैं, भाई भागे ही जा रहे हैं, भागे ही जा रहे हैं। भैया आगे। हाँ भाई सुना दो मित्र, क्या है? बढ़िया बढ़िया, आप ये बताओ पहले अपना नाम बताओ भैया। मेरा नाम प्रमोद भाई मित्र। प्रमोद सर जी आप ये बताइए वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं? मैं ये मित्र एक बार बताओ, बड़ा बच्चा आदमी अब फर्स्ट ज्यादा मोज लिया ना अपनी बहन तो सर बच्चों को ठीक नहीं है तो बच्चों को एडवाइस तो दे दो, बच्चों को एडवाइस तो दे दो। ए बच्चे सारे चलते ही बैठे, जमाना खराब कर रहे हो, करने दो हैं, जमाना खराब है। जय बाबा की, जय बाबा की। तो भाई हमने जय बाबा के मिलके था भाईचारा वाली, भाई से मिलके बड़ा मजा आया, इनसे भी मिलके यार। बाकी लाइन लगी है वहाँ जाके, सबको कह दे सब्सक्राइब कर दो, आयुष बोला वो जा। तो यहाँ लगी है मेट्रो की लाइन, ठीक है। मैं अपनी एनर्जी सेव कर रहा हूँ, मैं ज्यादा एनर्जी वाला बंदा लेके आया हूँ, वो कर रहा है। चल भाई कितनी लंबी लाइन लगी है देख सकते हो गाइस यार, आप पूरी लंबी लाइन जा रही है। चैनल तो सब्सक्राइब करवा भाई, चैनल सब्सक्राइब कर देना आरिश बोला के नाम से, सबने इधर देख लिया, ठीक है? देख लिया देख लिया देख लिया। आ जा भाई, एक और भाई भाई, भाई बंदे मिले हैं, उनसे चल के पूछते हैं कि क्या सीन है। भैया फोटोशूट खत्म हो गया आपका? क्या नहीं हुआ, चल ही रहा है। नहीं यार एक एक क्वेश्चन था बस, उसके बाद बता देते फिर आप कंटिन्यू करते हैं। वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इसी तरह थोड़ी ना यार, वैलेंटाइन डे सिर्फ लड़के के लिए हो या फिर एक लड़का ही लड़की के लिए बनाए? लड़का लड़की के लिए भी बना सकते हैं भाई आप ही बता दो यार, लड़की बाजी के क्या चक्कर में है? लड़की है कौन यार बाजी के? सिंगल, सिंगल लौंडे गाइस देख रहे हो, आरुष बोले कि सारी सिंगल लाइफ ही मिल रही है, सिंगल बंदे ही मिल रहे हैं, लेकिन इसमें कोई लड़की वड़की दिख नहीं रही है। कुछ लोगों को देख के खुश हैं, बाकी भाई बकचोदते बहन के लगा, ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया यानी तो बेकार थे बंदे जो भी थे यार, सारे आना कम पड़ेगा भाई, बहुत दर्द होते हैं भाई जो भी स्टार्ट करना यूट्यूब चैनल, भाई पहले लाना बंद कर लेना अपना, पहले बोल रहा हूँ कि भाई पकड़ने में बहुत दर्द होता है तुम्हारी कसम, एक मिनट से ज़्यादा मेरे भाई अंकल पकड़ ही नहीं जा रहा। बंद कर, ये तो बर्गर खा रही थी, यहाँ भी लड़कियाँ भी बर्गर खा रही थी, पीछे देखो हंस रही थी हमें। भीड़ वाले प्रैंक कर अब। वाओ सेम सेम फोन भैया, इसको मैंने क्वेश्चन पूछने भेजा, ये कह रहा रहन दे भाई, इसको न्यूज याद आ गई वो जो बंदा खा जाती है भाई आज जोड़ता हूँ, पता चले गई आइयो उधर उठा के मुझे वैसे ले जाए, वेट है कितना 45-50 ले गया ऑटो में खा गया, इसका क्या है ये बम्मा। तो भाई ये वाली वीडियो यहीं बंद कर रहे हैं ताकि लंबी ना हो जाता, और एक वीडियो इसके साथ फुल ब्लॉग आ गया बकचोदी वाला,
अब एक वीडियो इसके साथ आएगी डे वन एट अ जिम, मतलब ये अब दोबारा जिम स्टार्ट कर रहा है, जिम खुल गया तो ये इसको मैं लेके जाऊँगा, और जो जो मतलब मैंने स्टार्टिंग में किया था जिससे मेरे को हेल्प मिली थी गेनिंग में, मैं भी ऐसे पतला ही था 45 किलो का, तो वो सब चीज़ें से समझाऊँगा और उसकी वीडियो बनाऊँगा ताकि आप भी समझ सको उससे। तो उसके लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो पर लाइक करो यार, शेयर करो। एक फुल लो वीटिंग वीडियो भी आपके लिए बना रहा हूँ और एक वर्कआउट की आएगी तो। और यार मुझे एक चीज़ ये भी बता देना यार, मैं भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ कि ना करूँ? कर भाई, कमेंट में करके बता देना, बहुत बढ़िया चीज़ है। ओके गाइस, मिलते हैं, लव यू और शाम। तो भाई अब हम रैपिड से आटा लेने आए, मम्मी ने कहा था जा रहा है तो आटा लेके आइए, अब आटा लेके फिर घर पे देंगे फिर जिम जाएंगे, पहले यहाँ मजदूरी फिर जिम में मजदूरी। साला जैसे बोल रहा था ईंट ढोता है, मजदूर भी देख रहे हो, राजेश वाली मजदूरी कर रहा है आरामी। भाई तू ये ना सबके आगे बता दे, झूठ मत बोल, अब बहुत बंदे देख रहे हैं तेरे को। उमेश क्या यही काम करता था, सामान भाई जो मेरा सही सामान क्या ले रहा है भाई, मजाक कर रहे हैं सीरियस भाई, मेरे की मेरी जान मजाक कर रहे थे यार, सॉरी भाई, लव यू। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी तीन बटन।